कहीं आप लोग तो नहीं याद कर रहे हो, आपको कुछ बातें याद रखे, चैनल जो है खोलना चाहिए। हाउ टू मेक योर वीडियो को वायरल, क्लिकबेट कब बनाने का, तीसरा पॉइंट है मेन बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक है। नमस्ते बाबा, आज आपको क्या है कुछ टिप्स और ट्रिक्स या फिर पॉइंट्स भी बोल सकते हो, बताऊंगा हाउ टू मेक योर वीडियो को वायरल, अगर वायरल नहीं तो भी हाउ टू रीच अ वाइडर ऑडियंस, वाइडर मतलब बहुत सारा ऑडियंस को आपका वीडियो कैसे पहुंचे, तो उसके कुछ तकनीक हैं या आपको सिखाता हूं मैं, उसमें दो तीन पॉइंट है मेन पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है ऑब्वियसली थंबनेल आपको कैची बनाना पड़ेगा कि लोग वो थंबनेल को देख के जो है बिना क्लिक किए उधर से स्क्रॉल ना करें। अरे यार, बिना क्लिक किए स्क्रॉल ना करें, तो ऐसा कैची थंबनेल्स मतलब पूरा क्लिकबेट भी नहीं बनाना है। क्लिकबेट मतलब क्या होता है, क्लिकबेट का मीनिंग होता है कि थंबनेल एक है, समझो फ़ोटो में आप बता दिया एक्सीडेंट हो गया और अंदर कंटेंट में कहीं वो है ही नहीं या फिर वो टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो उसको बोलते हैं क्लिकबेट। जैसे मछली को बेट डाल के पकड़ लेते हैं ना, वैसा वो क्लिकबेट, इसीलिए बोलते हैं कि मछली को दाना डाल के आप लोग क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाओगे। बनाने का क्लिकबेट, नहीं बनाने का बोल के नहीं बोल रहा हूँ, क्लिकबेट कब बनाने का, अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिसका आपके पास फुटेजस नहीं है या फिर आप कुछ बात करना चाह रहे हो वो सिर्फ बातों में है, तो आप कहीं से कुछ फ़ोटो उठा के उसके बारे में कुछ थंबनेल बना के डाल रहे हो तो वो भी क्लिकबेट ही है, पर उतना नहीं है। अभी उसका टॉपिक तो है ना वीडियो में, वो मैटर करता है। मैंने भी बहुत सारे बनाए हैं, एग्जांपल देख लो, यूट्यूब के कमाई से i20 कार बोल के बनाया था मैं, यूट्यूब के कमाई से पहला कार बोल के बनाया था, उसमें बाद में बोल दिया मैंने कि ये मेरा नहीं है। ऐसे दो तीन वीडियोस मैंने भी बनाए हैं, तो वाइडर ऑडियंस रीच करता है। जब ज़्यादा आपके इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट बढ़ेंगे तो अपने आप वाइडर ऑडियंस रीच होने लगेगा। अब वो सब क्या है, इंप्रेशंस, क्लिक थ्रू रेट, वो सब आपको बाद में बताऊंगा किसी दिन सेपरेट, पर अभी के लिए जो है ये तो पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट पे आते हैं, दूसरा पॉइंट है बाबा कीवर्ड्स पे ध्यान देने का। अब अगर आप समझो आपका थंबनेल में आपने टॉपिक बनाया है, मैं अपना एक एग्जांपल लेता हूँ, NS200 गाड़ी पे जो है टॉपिक है रिलेटेड, NS200 माइलेज टेस्ट या कुछ भी हो सकता है, NS200 है उसमें, NS200 क्या है कीवर्ड है, माइलेज क्या है कीवर्ड है, या फिर टॉप स्पीड वो सब क्या है कीवर्ड्स है, वो सब जो मेन लोग सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं ना उसको कीवर्ड्स बोला जाता है, कीवर्ड्स। तो अभी NS200 आप क्या करने का, आपको वो कीवर्ड थंबनेल में भी डालना है। अगर थंबनेल में नहीं भी डाल रहे हो तो कोई बात नहीं, जो आपका मेन टाइटल है, मेन टाइटल में मोस्टली आप फर्स्ट जो स्टार्टिंग होता है वो कीवर्ड ही रखा करो। अब NS200 माइलेज टेस्ट है, समझो NS200 माइलेज टेस्ट बोल के लिखोगे, उसके आगे आप कुछ भी लिख लो, आपका मतलब का है वो, शॉकिंग रिजल्ट्स या फिर मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा, कुछ भी आप जो मन मर्जी है वो लिखो, पर स्टार्टिंग का जो कीवर्ड्स है वो मैच करना चाहिए मेन कीवर्ड से, टॉपिक से। तो उससे क्या होता है, अब NS200 आदमी सर्च करेगा, NS200 समझो माइलेज सर्च किया, तो आपके वीडियो के जो है फर्स्ट पेज में आने के चांसेस बहुत रहते हैं। मेन क्या है, फोकस उसी पर रहना चाहिए कि फर्स्ट पेज में आ सके। अगर फर्स्ट पेज में आएगा तो 100 में से देखो, मैं तो बताऊंगा आपको जितने मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस है, 85% क्लिक करेंगे लोग, 85% तो क्लिक कर ही देंगे। तो उस हिसाब से बनाने का कीवर्ड्स और सोच समझ के कीवर्ड्स भी चुनने का। वीडियो का टॉपिक तो अब हमेशा सोच समझ के नहीं होता, पर सोच समझ के आप जो है ये तो चुन ही सकते हो कीवर्ड्स। और यह हो गया दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट को रिलेटेड ही और एक है, जो आप टाइटल अभी जो बोला ना कीवर्ड के पे टाइटल, वो अगर आपको हो सकता है तो डिस्क्रिप्शन के स्टार्टिंग में, NS200 माइलेज टेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के स्टार्टिंग में भी NS200 माइलेज टेस्ट बोल के लिख दिया करो, क्योंकि उधर भी उनका एल्गोरिथम बहुत डिफरेंट वर्क करता है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक करता है, टाइटल भी चेक करता है और टैग्स भी चेक करता है, आता हूँ उस पर। यह हो गया दूसरा पॉइंट। अभी तीसरा पॉइंट है मेन बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक है टैग्स,
टैग्स और थंबनेल बहुत मेन है। टैग्स मतलब जो आप हैशटैग यूज़ करते हो ना, उसको टैग्स बोला जाता है। आप ऐसे हैशटैग्स यूज़ करो जो पब्लिक उसके रिलेटेड सर्च करेगा ही करेगा। आप अपने हिसाब से सोचो, या फिर बहुत सारे टूल्स भी है उसके लिए, वो टूल्स का आपको बाद में बताता हूँ। पर NS200 है, अब हैशटैग NS200, हैशटैग NS200BS6, हैशटैग NS200 2020, 2022, ऐसा बहुत सारे टैग्स होते हैं। नीचे जब आप वीडियो अपलोड कर रहे होते हो तो नीचे टैग बॉक्स रहता है, उसमें आपको 500 लिमिट है, 500 तक टैग्स आप यूज़ कर सकते हो। तो उस हिसाब से यूज़ करो। अगर आपको टैग्स भी यूज़ करना है तो वो भी एक टेक्निक है। और एक पेज खोलो यूट्यूब में, सर्च बॉक्स में आप जो वीडियो अपलोड कर रहे हो, समझो NS200 सर्च करो, और नीचे आपको बहुत सारे सजेशंस मिलेंगे, वो सजेशंस को आप एज अ हैशटैग यूज़ कर सकते हो। तो ये सब तो आप टैग्स भर दोगे, हैशटैग्स आपका 500 भर गया, और क्या करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में भी डालना है। डिस्क्रिप्शन में भी हैशटैग्स डालना पड़ता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो स्टार्टिंग में डालो या एंडिंग में डालो, कहाँ भी डालो डालो। और पहले जो 3 हैशटैग्स है वो आपके टाइटल के नीचे दिखेंगे। जब वीडियो आप अपलोड करोगे, आप लोग शायद देखे होंगे बहुत सारे वीडियो के नीचे 3 हैशटैग्स जो है विजिबल होंगे वो। तो पहले मेन 3 हैशटैग्स ऐसे चुनो जो वीडियो के रिलेटेड है। तो ये है टैग्स का कहानी, ये सब मेन पॉइंट है। आपको वीडियो वायरल बनाना है या वाइडर ऑडियंस को रीच करना है। तो फिर अभी बचा टूल। टूल आता है ट्यूब बडी बोल के, एक टूल है। तो वो टूल बहुत ज़्यादा मदद करता है आपको वाइडर ऑडियंस रीच करने में। वो आपको सजेस्ट करता है टैग्स कैसे यूज़ करना है, थंबनेल कैसे यूज़ करना है। वो पेड है, उसमें फ्री वर्जन भी है। फ्री वर्जन में क्या है, आप दूसरों के चैनल के टैग्स देख सकते हो, टैग्स देख सकते हो, और उनका टैग स्ट्रेंथ देख सकते हो, और सजेस्टेड टैग्स देख सकते हो। ये सब फ्री वर्जन में। और उसमें 3-4 वर्जन पेड के भी हैं। पेड वर्जन्स में भी 3-4 डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो आपको अगर है, आप बजट है, आप खर्च करना चाहते हो, तो ट्यूब बडी इज़ 100% रिकमेंडेड। उसके लिए बहुत काम का आएगा वो, पक्का आपको चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद करेगा। मैंने भी देखा था, पर मेरे पास पेड वर्जन नहीं है। कभी शंभू मेहर बरसाएंगे तो वो भी ले लेंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। चैनल ये सब क्या है, चैनल एक बार बढ़ने तक, अगर चैनल बढ़ गया, आपके पास ऐसे फैमिली हैं सब्सक्राइबर, नल्ले सब्सक्राइबर नहीं, खरीदे हुए सब्सक्राइबर नहीं बोल रहा हूँ, जो है आपके वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब किए हैं, तो वो लोग तो आएंगे ही देखने। ये सब हो गया अल्गोरिथम के हिसाब से। अबे आपको बताऊंगा वीडियो के हिसाब से। आपको देखो भाई, वीडियो मैं भी स्टार्टिंग में करता था ये गलती, लंबा वीडियो आप रखोगे अबाउ 8 मिनट्स तो एड्स ज़्यादा आते हैं, 2-4 एड्स आते हैं मिनिमम, 2 तो आते ही है स्टार्टिंग में, 2 या बीच में, और एक मिड रोल बोल के आता है। अगर आप 8 मिनट से नीचे रखोगे तो एड्स कम आएंगे। तो वो सोच के मैं क्या बनाता था, 20-20 मिनट का वीडियो डाल देता था। वो गलत है भाई। भले तुम 4 मिनट का वीडियो डालो, ऑडियंस एंगेजिंग होना चाहिए, मतलब ऑडियंस स्किप नहीं करना चाहिए ज़्यादा वीडियो। तो आप वैसा कुछ एंटरटेनमेंट टॉपिक चुनो या फिर उस तरीके से बोलो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड है क्या करोगे क्या नहीं। आपका जो एवरेज ड्यूरेशन होता है वो परसेंटेज वाइज मिनिमम अबव 40% रहना चाहिए। 10 मिनट का वीडियो है तो 4 मिनट तो देखना चाहिए आदमी। मेरा भी कम ही देखते हैं, कोई कोई वीडियो चला जाता है। अगर अच्छा आपको अच्छा लगता है तो आप लोग देख लेते हो, कोई कोई वीडियो वैसा चला जाता है। तो ये सब पॉइंट्स है आपको ग्रो वाइडर ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ट्राई करो और फिर बताओ कुछ हुआ या नहीं हुआ, जो भी हुआ कमेंट में बताओ बाबा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लिव लाइफ इन पीस, पीस आउट, हर हर महादेव।